आज से 15 लाख साल पहले हमारे धरती पर मनुष्य की न जाने कितनी प्रजातियों ने राज किया था। उन्हीं में से एक थी होमो हैबिलिस। ये प्रजाति हमारे जीन्स का सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। होमो हैबिलिस अफ्रीका के सहारा रीजन में 15 लाख साल पहले तक अस्तित्व में थे। 1959 और 1960 में अफ्रीका के उत्तरी तंजाई के ओल्विया जॉर्ज में पहले जीवाश्म की खोज की गई थी। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि ये जीवाश्म मानव का सबसे पुराना जीवाश्म था। मानव की यह प्रजाति सबसे उन्नत प्रजातियों में से एक थी और ओल्विया जॉर्ज में पाए गए सबसे पहले अवशेषों में कई दांत और एक निचले जबड़ा, सर की और हाथ की कुछ हड्डियां पाई गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो हैबिलिस एस्ट्रोपिथिकस प्रजाति से शारीरिक रूप में कई उन्नत थे। होमो हैबिलिस का दिमाग आमतौर पर 5 से 9 सेंटीमीटर तक होता था, लेकिन होमो हैबिलिस आमतौर पर एस्ट्रोपिथिकस की तरह छोटे कद वाले आदि मानव की प्रजाति थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी ऊंचाई आमतौर पर 148 सेंटीमीटर यानी 4 से 5 फुट के आसपास होती थी और वजन 40 से 50 ग्राम के आसपास होता था। अगर बात की जाए मादा हैबिलिस की तो यह आकार में पुरुषों की तुलना में काफ़ी छोटी थी। होमो हैबिलिस का शरीर पर बाल हुआ करते थे। होमो हैबिलिस का व्यवहार कभी कभी सवाना बंदर और चिंपैंजीज की तरह होता था। यह समूह में रह करते थे और समूह की रक्षा करते थे। इनके समूह में कई सारे मुख्य नर होते थे जो कभी कभी दुश्मनों को पत्थरों से फेंक कर भगाने में माहिर थे, लेकिन कभी कभी खुद शिकार बन जाते थे। होमो हैबिलिस का शिकार उस समय अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा किया जाता था, जैसे कि बाघ, चीता, लगड़ बगा और शेर द्वारा। अगर बात करें इनके आहार की तो कहा जाता है कि होमो हैबिलिस जीवों को मारने की बजाय पहले से मरे जीवों को अपना आहार बनाते थे, जिससे उन्हें मुर्दाखोर भी कहा जाता था। ये सिहार लकड़ बगों द्वारा मारे हुए शिकार चोरी करते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि होमो हैबिलिस अन्य आदि मानव की तुलना में मांस का आहार ज्यादा करते थे, तभी इनकी ऊर्जा बढ़ी और धीरे धीरे करके इनके दिमाग का विकास हुआ और इसके साथ और भी बदलाव हुए। और समय बीतने के साथ साथ होमो हैबिलिस की यह प्रजाति ने लगभग 8 लाख साल तक राज किया। ये आज से लगभग 16 लाख साल पहले विलुप्त हुए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी विलुप्ति का कारण क्लाइमेट चेंज, समय के साथ साथ हमारी धरती में कई बदलाव आए जिसमें वो अपने आप को नहीं बदल पाए। जो कुछ अन्य प्रजातियों ने अपने आप को वातावरण में ढाल लिया वो आगे चलकर और विकास करते गए।